इंटेलिजेंस, वो जीव जो पर गई है, यानी वह जीव जो हमारी दुनिया का नहीं है। प्राचीन काल से ही उन जीवों का सबूत हमें मिलता है, पर विज्ञान आज तक ऐसे कोई पक्के सबूत हैं। कभी किसी अज्ञात उड़न तस्त्री देखने का दावा, तो कभी धरती पर किसी हलचल का दावा, लेकिन विभिन्न तरह के साक्ष्य और भी हैं जो संकेत देते हैं कि हो सकता है कि एलियन होते ही हों और वो आज भी धरती पर आते और चले जाते हों। क्या आपने ऐसा सोचा है कभी कि धरती पर ऐसे कई निशान और सुराग मिले हैं जो ना सिर्फ बहुत पुराने हैं, बल्कि वो इतने सटीक हैं कि ये सोचना मुश्किल है कि उस काल में रह रहे लोगों ने उन्हें बनाया होगा। अगर हम इस विषय पर काम करने वाले विशेषज्ञों की बात माने तो एलियन के होने ना होने की पूरी कहानी इस सोच पर केंद्रित है कि सदियों पहले कई और ग्रहों पर भी एलियन यानी परलोकी जीवों का वास था। वैज्ञानिकों का मानना है कि दूसरे ग्रहों के ये प्राणी हमसे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान है और वे हमसे कहीं अधिक एडवांस भी हैं। वो ये भी कहते हैं कि एलियनों के पास ऐसे उपकरण और साधन हैं कि वो धरती पर आते हैं और फिर चले जाते हैं। इस उपकरण को अक्सर अज्ञात उड़नतस्त्री यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट UFO के नाम से जाना जाता है। तो आज हम बात करेंगे उन कुछ रहस्यमय घटनाओं के बारे में जब लोगों ने एलियंस को देखने का दावा किया। पहली, एलियंस को देखने की सबसे पहले जर्मनी में 1561 में देखे जाने का दावा लोग करते हैं। दुनिया में सबसे पहले जर्मनी के न्यूएम्बर्ग में अप्रैल 1561 में लोगों ने आसमान में बड़े ग्लोब्स, विशालकाय क्रॉस और अजीबोगरीब प्लेट जैसी चीज़ें देखी जाने का दावा लोगों ने किया। उस समय के चित्रों और लकड़ी की कटिंग से उस घटना की काफ़ी जानकारी मिलती है। दूसरी, ये घटना रूजवेल्ट न्यूयॉर्क मैक्सिको अमेरिका जुलाई 1947 की है। रूजवेल्ट तो जैसे UFOs का पर्यायवाची बन चुका है। एक शख्स को क्रैश हुए प्लेन जैसी चीज़ का मलबा मिला। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें साफ लग रहा था कि यह स्पेसक्राफ्ट किसी दूसरी दुनिया से आया है। उन्होंने एलियंस के शवों को भी देखने का दावा किया। हालांकि एयरफोर्स ने 1994 में अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि एलियंस की मलबा प्रयोग में लाए जा रहे सर्वेलेंस बैलून्स का था, जो एलियन के शव बताए जा रहे थे वे असल में डमीज थे। हालांकि कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अमेरिकी सरकार हमसे और दुनिया से एलियंस के धरती पर आने की इस घटना को छिपाना चाहती है। तीसरी घटना वॉशिंगटन DC जुलाई 1952 की है। अमेरिका की राजधानी के ऊपर आसमान में लगातार कई अनजान चीज़ें उड़ती देखी गई। वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट और एंड्रयू एयरफोर्स बेस रडार पर भी कई अजीबोगरीब चीज़ों के संकेत मिले। इसी साल एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक लॉन्च किया, जिससे आसमान में संभावित खतरे के बारे में जानकारी जुटाकर उसका विश्लेषण किया जा सके। एयरफोर्स के मेजर जनरल जॉन सैम फोर्ड ने जुलाई 1952 में इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। हालांकि बाद में इस घटना को तापमान बढ़ने से जोड़ा गया। तर्क दिया गया कि गर्म हवा कभी कभी ऐसी सीलिंग तैयार कर देती है जिससे रेडार प्रभावित हो जाते हैं। कई लोगों का मानना है कि यह घटना सच्ची थी। चौथी, ये घटना हमारे भारत नई दिल्ली 1951 की है। 15 मार्च को सुबह 10:20 पर नई दिल्ली में एक फ्लाइंग क्लब के 25 सदस्यों ने सिगार के आकार की कोई चीज़ देखी जो करीब 100 फुट लंबी थी। UFO अचानक कुछ रहस्यमय देर बाद आंखों से ओझल हो गया। आज भी इस घटना को लोग याद करते हैं। आपको इनमें से कौन सी घटना सबसे सच्ची और मज़ेदार लगी कमेंट करके बताना। अब मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।